कोविड महामारी के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने लोगों से कोविड से बचाव और एहतियात बरतने की अपील की है। अपनी पत्नी शीला धूमल के साथ कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा टीका लगवाने के बाद हमीरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि लोग ये न समझे कि वैक्सीनेशन होने से कोरोना से बचा जा सकेगा, बल्कि लोगों को चेहरे पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना ही होगा। धूमल ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और लोग सभी हिदायतों का पालन कर ही इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। बता दें कि धूमल ने पहले 2 मार्च को अपनी पत्नी शीला धूमल के साथ पहला कोविड वैक्सीनेशन का टीका हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में लगवाया था। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कोरोना के मामले बढ़ने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कोविड वैक्सीनेशन करवाना भी जरूरी है और लोगों को मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने से ही बीमारी से बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बीमारी को हल्के से ले रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग अपनी जिंदगी के साथ साथ पूरे समाज और देश को खतरे में डाल रहे हैं। धूमल ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे प्रमुख कारण लोगों का लापरवाह रवैया भी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दें। सेकंड वैक्सीनेशन हुआ है, ठीक हो गया। मुझे आशा है बाकी लोगों ने भी करवा लिया होगा। जो नहीं करवा रहे हैं उनको जल्दी करवाना चाहिए। कोरोना के लिए वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क भी जरूरी है, 2 गज की दूरी भी जरूरी है और सोशल डिस्टेंस भी रखें। अगर सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो कोरोना से बचा जा सकता है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग लापरवाह हो रहे हैं। वैक्सीनेशन होने का अर्थ ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा। वैक्सीनेशन एक वैसा ही कदम है जैसे आप मास्क लगाते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, सोशल डिस्टेंस, और स्वच्छता रखते हैं। जो स्वच्छता रखिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क लगाइए और वैक्सीनेशन के दोनों डोजेज जल्दी से जल्दी लगवा के इनको पहली लग गए उसके बाद ये टाइम किया गया है, निश्चित टाइम उसके दूसरा डोज भी लगवाएँ और इस बीमारी से बचें। ये हमारे अपने हाथ हैं, हम अपनी ज़िंदगी खतरे में डालते हैं, समाज की ज़िंदगी खतरे में डालते हैं, जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं उनको खतरे में डालते हैं। खुद भी बचाइए, समाज को बचाइए, लोगों को बचाइए।